सब्सक्राइब करिए कंपेयर राजा यूट्यूब चैनल को, साथ ही में बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप प्लान कर रहे हैं OnePlus 60 लेने के लिए तो रुक जाइए। जी हाँ, रुक जाइए, क्योंकि OnePlus 7 ने यहाँ पे दस्तक दे दिया है, नॉक नॉक कर दिया है कि जी हाँ मैं जल्द ही आने वाला हूँ। तो अगर आप मतलब बेसब्र हैं अगर फ़ोन लेने के लिए तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप रुक सकते हैं तो OnePlus 7 के लिए रुक जाइए, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन इफ नॉट द बेस्ट अगर ये रहने वाला है फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। साथ ही में इसमें नया टेक्नोलॉजी आएगा, नया इनोवेशन आएगा, लेटेस्ट स्मार्टफोन रहने वाला है और टॉप नॉच यहाँ पे आप लोगों को इनोवेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखने को मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे OnePlus 7 के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं CompareRaja.in यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने बताया कि OnePlus 7 एक यहाँ पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इनोवेशन के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है, वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट के साथ आने वाला है, बोल सकते हैं कि मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन यहाँ पे होने वाला है OnePlus 7। OnePlus 60 भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन था यार, अपने स्पेक्स के हिसाब से, अपने फीचर्स के हिसाब से वो भी वन ऑफ द बेस्ट था यहाँ पे। उसमें भी अच्छा आप लोगों को लेटेस्ट चिपसेट मिल रहा था, उसमें आप लोगों को अच्छा ऑफरिंग्स मिल रहा था, डिस्प्ले बहुत ही अच्छा खासा मिल रहा था। लेकिन अब OnePlus बोला कि अब हमको इनोवेशन के हिसाब से एक स्टेप और आगे बढ़ना है, जमाना है यहाँ पे बेजल लेस का, तो हम भी अपने स्मार्टफोन में बेजल लेस स्क्रीन लेके आएंगे या फिर नॉच लेस स्क्रीन लेके आएंगे। तो जी हाँ, OnePlus 7 में आप लोगों को फुल एच टू एच डिस्प्ले दिखने वाला है, कोई भी नॉच नहीं, कोई भी बेजल नहीं, जिस तरीके से OnePlus 60 में हमको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आप लोगों को कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलेगा। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक डिस्प्ले ही डिस्प्ले रहने वाला है जी, कोई नॉच नहीं देखने को मिलेगा। 6.4 इंच का आप लोगों को सुपर एमोलेड का यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, साथ ही में कॉर्निंग गोरिल्ला 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि एच टू एच डिस्प्ले तो रहने वाला ही है और बैक साइड भी आप लोगों को कॉर्निंग गोरिल्ला 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आप लोगों को वाइब्रेंट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि एच टू एच डिस्प्ले, यानी कि आप लोग सोचेंगे कि यार सेल्फी कैमरा कहाँ गया, तो सेल्फी कैमरा यहाँ पे स्लाइडर मैकेनिज्म की तरह आएगा, जिस तरीके से हमको यहाँ पे वीवो नेक्स देखने को मिलता है एक पॉपअप कैमरा, सेल्फी कैमरा पे क्लिक कर लिया ऊपर से एक पॉपअप होगा, तो इसमें भी वैसे ही निकलेगा फ्रेंड्स। इसके अगर चिपसेट की बात करूं तो यहां पे आप लोगों को लेटेस्ट कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट होने वाला है, जो कि यार अभी तक के पूरे इंडस्ट्री में यहां पे वन ऑफ द फास्टेस्ट बोल सकते चिपसेट है। कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 845 से भी 40% यहां पे आप लोगों का परफॉर्मेंस जीपीयू और सीपीयू का यहां पे बूस्ट कर देगा 855 फ्रेंड्स। तो वन ऑफ द बेस्ट यहां पे बोल सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, नंबर वन यहाँ पे चिपसेट आप लोगों को कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 855 का आप लोगों को यहाँ पे OnePlus 7 में देखने को मिल जाएगा। साथ में 6GB रैम, 8GB रैम, 120 और 256GB का आप लोगों को स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। अब एंड्रॉयड वर्जन पाई आउट ऑफ द बॉक्स ही मिलेगा, अगर क्यू का तो अभी तक पता नहीं कि कब वो आएगा, पाई आउट आपको आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इसके कैमरा की, तो यहाँ पे पीछे की तरफ आप लोगों को ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा। जी हाँ, OnePlus 7 यार डुअल कैमरा से अब यार जमाना गया, अब ट्रिपल, अब तो चार कैमरे के ज़माने आ गए, लेकिन इसमें आप लोगों को ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा। 24 मेगापिक्सल का सेंसर एक मिलेगा, प्राइमरी सेकेंडरी मिलेगा 12 मेगापिक्सल का, और थर्ड शायद टाइम ऑफ फ्लाइट का आप लोगों को 5 या फिर 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, जो सेल्फी कैमरा है वो पॉपअप या फिर पॉप आउट स्लाइडर मैकेनिज्म के रूप में मिलेगा, वो 24 मेगापिक्सल का रहने वाला है। ओवरऑल कैमरा यार OnePlus का तो बढ़िया था ही, जब OnePlus 60 में भी आप लोगों को अच्छा खासा कैमरा आप लोगों को देखने को मिल जाता है, स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पर लगा है, तो OnePlus 7 में भी आप लोगों को बढ़िया सा कैमरा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। बात करूँ यहाँ पे बैटरी की, तो यहाँ पे आप लोगों को 3700 mAh का बैटरी बैकअप आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, साथ ही में आप लोगों को वार्प चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 30W का, जिस तरीके से मैकलेरन एडिशन में आप लोगों को देखने को मिलता है वार्प चार्जिंग, इसमें भी जी आप लोगों को वार्प चार्जिंग ही देखने को मिल जाएगा। तो ये देख लीजिए, आप लोगों का फ़ोन बहुत ही क्विकली चार्ज करेगा, जो भी डैश चार्जिंग या फिर वार्प चार्जिंग बोलिए, क्विकली चार्ज करेगा। 30W का आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल जाता है, तो ये भी बहुत ही अच्छा आप लोगों को बोल सकते हैं कि चार्जिंग टेक्नोलॉजी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यही है OnePlus 7, यहाँ पे बहुत अच्छा H2S डिस्प्ले, प्रोसेसर
लेटेस्ट आप लोग को मिलता है। और ये बताया जा रहा है कि वन ऑफ नहीं बोलूँगा कि ये फर्स्ट स्मार्टफोन रहने वाला है जो कि 5G के मॉडम को सपोर्ट करेगा। तो जी हाँ, ये OnePlus 7 5G मॉडम के सपोर्ट के साथ आने वाला, क्योंकि 855 सपोर्ट करता भी है। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से मिलता है OnePlus 7। यहाँ पे प्राइसिंग की बात किया जाए तो जो करीबन 6GB और 128GB है उसका प्राइसिंग यहाँ पे हमारे हिसाब से, कंपेराजा की टीम के हिसाब से 40,000 रुपये हो सकता है। वहीं 8GB और 256GB का प्राइसिंग करीबन 45,000 हो सकता है फ्रेंड्स, कंपेराजा की टीम की तरफ से। मतलब ये हमारा एक बोल सकते हैं कि अंदेशा है, ये हमारा एक अनुमान है कि इतना यहाँ पे उसका प्राइसिंग रह सकता है फ्रेंड्स। OnePlus 7 भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे फ़ोन होने वाला है OnePlus की तरफ से, लेटेस्ट इनोवेशन के साथ अच्छा खासा आप लोगों को बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी मिल रहा है, प्रोसेसर बढ़िया, कैमरा, डिस्प्ले सब कुछ यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल जा रहा है फ्रेंड्स। तो यही है OnePlus 7 के ऊपर जो भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन निकला है उसके ऊपर वीडियो। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर इसी तरीके से आप लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़ से आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो। और साथ ही मैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। बने रहिए CompareRaja.in यूट्यूब चैनल के साथ। CompareRaja के राजा की तरफ से आप लोगों को गुड बाय।